वेलकम टू अंजना थालकीज किचन। हाय मॉम। हाय। आज क्या होने वाला है? आज बनाने वाली हूँ नागरवेल के पत्ते से बीड़ा। ओके। तो बीड़ा के लिए मैंने इस तरह से नागरवेल के पत्ते ले लिए हैं और इसको अच्छी तरह से धो के साफ कर लिया है। हम ये पत्ते को बीच से कट कर लेंगे। ये वाला जो पत्ता है उसकी जो ये डंडी है वो हम इसी तरह से निकाल लेंगे। बिल्कुल ही वो हार्ड पार्ट नहीं रहना चाहिए। Okay. बीड़ा दो तरीके से बनता है। पहला तरीका ये है, पत्ते को इस तरह लेना है और इस तरह से कोन के शेप में ये जो चीज है वो इधर सीधी आनी चाहिए और मेहंदी का कोन जैसे बनता है वैसे हम बना के इसको थोड़ा सा खींच लेंगे इस तरह से, और ये जो पार्ट है वो ऐसे अंदर की तरह मोड़ देंगे। ये एकदम अच्छी तरह से सील हो गया है, पैक हो गया है। अभी हम इसमें पंजीरी भरेंगे। पंजीरी को एक चम्मच की हेल्प से आप इसमें डालेंगे और थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे, फिर इसे दोनों साइड में मोड़ देंगे, इधर से ऐसे, दूसरी साइड से, चारों ओर से इस तरह से मोड़ के एक लौंग लिया है हमने यहाँ पे वो इसके ऊपर प्रेस कर देंगे। तो देखिए एकदम मस्त बीड़ा रेडी हो चुका है। अभी बताते हैं दूसरा तरीका। अभी पत्ते को इस तरह से पकड़ना है और इसे ये जो साइड है ऐसे क्रॉस में करना है और ऐसे क्रॉस में कोन की तरह बनाते जाना है। ये हो गया। अभी फिर इसको ऐसे थोड़ा एडजस्ट कर लेने का ताकि ये जो इसका एंड वो सील हो जाए अच्छे से। अभी ये जो ऊपर पार्ट बच गया है उसी से हम इस तरह से सील करेंगे। तो अभी हम इसमें पंजीरी फिल करेंगे। थोड़ा सा दबा के अच्छी तरह से टाइट बनाना है। अब दोनों साइड से थोड़ा सा मोड़ के और ये जो पत्ता है वो ऐसे सील कर देना है और फिर एक लौंग जो है वो यहाँ पे हमने पैक कर देना है। तो इस तरह से कृष्ण भगवान का प्रसाद का बीड़ा बनता है। ये एक्स्ट्रा है वो आप ऐसे काट सकते हैं। हाँ, या फिर ऐसे सकते हैं या फिर उधर भी एक दूसरा लौंग कर सकते हैं, लौंग लगा सकते हैं। तो ये बीड़ा अपना एकदम परफेक्ट रेडी हो चुका है। सारा बीड़ा हम इस तरह से बना लेंगे। तो देखिए रेडी है कान्हा जी का प्रिय पन का बीड़ा। यस, पंजरी का बीड़ा एकदम आसानी से बनता है और पंजरी की रेसिपी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप वो भी चेक कर लीजिएगा। एडवांस में हैप्पी जन्माष्टमी। हैप्पी जन्माष्टमी।